से लाखों वर्ष पूर्व की बात है, ब्रह्मा जी ने एक विवाह कराया जिसमें दुल्हन के भाई के रूप में श्री विष्णु भगवान जी प्रकट थे। यह विवाह कोई आम नहीं रहा होगा, ऐसा विवाह जिसने सृष्टि के सबसे पवित्र और सबसे सुंदर बंधन को जन्म दिया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं किनके विवाह की बात कर रही हूँ? हिंदू धर्म के अनुसार कुल 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग जिसमें हम आज जी रहे हैं, इनमें हर एक युग सिर्फ 1000-2000 साल का नहीं बल्कि लाखों वर्षों का माना जाता है। अगर सतयुग की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्ष यानी 1728000 वर्ष सतयुग में माने जाते हैं। जिस विवाह की हम बात कर रहे हैं वह सतयुग में ही संपन्न हुआ था। यह विवाह सालों की कड़ी तपस्या का फल था। आप समझ सकते हैं कि यह विवाह कितना खास रहा होगा। आज से 3 युगों पूर्व जिस विवाह की मैं बात कर रही हूँ वह विवाह था भगवान शिव जी का माँ पार्वती के साथ। जिस पवित्र स्थल पर यह विवाह संपन्न हुआ वहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती जी के साथ धुनि के चारों ओर 7 फेरे लिए थे। वह कैसा दिव्य दृश्य रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। माँ पार्वती जी की सालों की कड़ी तपस्या के बाद उनको भगवान शिव की पति के रूप में प्राप्ति हुई थी। अगर मैं कहूँ कि पिछले 3 युगों से वो धुनि आज भी वैसे ही चलती है तो क्या आप मेरा विश्वास मानेंगे? अगर मैं कहूँ कि आप भी उस धुनी को अपनी आँखों से आज के युग में भी देख सकते हैं, उस पवित्र स्थल पर आप जा सकते हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद आप इस पवित्र स्थल का नाम जानते भी होंगे। अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा है मैं कहाँ की बात कर रही हूँ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जहाँ स्वयं भगवान शिव आए थे, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया और भगवान विष्णु जी भी भाई के रूप में प्रकट थे, क्या हम उस जगह को स्वर्ग नहीं कहेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तिरुचुगी नारायण देवनगरी उत्तराखंड की। आप सहमत होंगे इस बात से कि उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा गया है। जिस भूमि को देवताओं ने स्वयं चुना वह है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का आशीर्वाद है और यहाँ की संस्कृति इसीलिए अपने आप में अलग और बहुत ज्यादा सुंदर है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की संस्कृति के एक मुख्य भाग की। उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीत एवं संगीत की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि पर्वत राज कन्या पार्वती ने भगवान शिव को अपना बनाने की ठान ली थी। सभी देवता भी यही चाहते थे किंतु भगवान शिव उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे एक तपस्वी थे। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करी और शिव जी को शादी के लिए मना लिया। उनके अनेकों प्रयास में एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव को मनाने के लिए एक चौरी बनाई जो कि मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाई गई थी। चौरी एक गोलाकार स्टेज के रूप में समझा जा सकता है। माना जाता है कि इसके चारों ओर जब माँ पार्वती ने अपनी सहेलियों संग सुंदर ध्वनि वाले गानों के साथ नृत्य करना शुरू किया तो चारों ओर चौरी के अपने आप फूल खिलने शुरू हो गए। अलग अलग फूलों की सुंदरता, मनमोहक नृत्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनि को देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और विवाह को स्वीकार कर लिया। यहीं से जन्म हुआ उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर पारंपरिक लोक गीत व नृत्य के मेल का, जिसका नाम है चौफुला। चौफुला नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें चारों ओर नृत्य करते हुए फूल खिल उठे थे। इस नृत्य को उसके बाद ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाने लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया
इसे पुरुष और महिलाओं द्वारा करा जाने लगा। जैसा कि मैंने बताया कि क्यों इस नृत्य का नाम चौफुला पड़ा, वहीं से पता चलता है कि यह नृत्य प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा में किया जाता है। यह नृत्य हर रात को बसंत पंचमी से लेकर संक्रांत या बैसाखी तक किया जाता है। अपने आप में यह लोक संस्कृति का प्रतीक है। मन की भावनाओं को गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है और यह गीत और नृत्य का मेल स्त्री सौंदर्य की प्रशंसा में भी किया जाता है। लोकगीत एवं संगीत ज्यादातर जहाँ के हों वहीं के इतिहास का परिचय देते हैं। लोकगीतों में छुपी होती है वहाँ के लोगों की मासूमियत। कहा जा सकता है कि लोकगीत उन लोगों की जीवन शैली, सुख दुख एवं परेशानियों को भी दर्शाते हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के लोकगीत एवं संगीत देवताओं से जुड़े हुए हैं। इन गीतों एवं संगीत को देवताओं को खुश करने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए, पुकारने के लिए एवं पूजने के लिए गाया व बजाया जाता रहा है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आप विभिन्न दैवीय बाजे एवं गीतों से शायद परिचित भी होंगे। यहाँ पर लोक नृत्य, लोकगीत को यहाँ के पारंपरिक बाजों या फिर कह सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ एक लय में किया जाता है। ये लोक नृत्य एवं लोकगीत को समय समय पर अलग अलग अवसरों पर संपन्न किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों में शामिल हैं ढोल, दमाऊं, दौर और थाली, तुर्री, रणसिंघा, मसक बाजा, ढोलकी, भंकोरा इत्यादि। आइए बात करते हैं ऐसे लोकगीत की जो उत्तराखंड के ज्यादातर टिहरी गढ़वाल में प्रचलित है। इसका नाम है चौपाटी। ऐसे प्यार भरे गीत या फिर आज की भाषा में बोल सकते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, जिन्हें गाने का तरीका प्रश्न व उत्तर के रूप में किया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर गीत गाते हैं। तीसरे नंबर पर जो लोकगीत है उसका नाम है मांगल। मांगल ऐसा शुभ गीत है जिसे खास अवसरों जैसे नामकरण, मुंडन और शादी ब्याह के वक्त गाया जाता है। निराश कर देने वाली बात यह है कि धीरे धीरे लोग अपनी परंपराओं को भूलते चले गए और पलायन के कारण यह मांगल गीत सिर्फ शादी तक ही सीमित रह गए हैं। मांगल गीतों में देववाणी है और इन्हें हमारे पूर्वजों द्वारा स्वयं पुराणों से लिया गया है। यह गीत शिवजी और पार्वती जी के आधार पर रुद्रप्रयाग और चमोली में गाए जाते हैं। वहीं टिहरी गढ़वाल में इनका आधार श्री लक्ष्मी नारायण जी से जुड़ा हुआ है। और पौड़ी गढ़वाल की बात करी जाए तो मांगल गीतों में हल्की सी हंसी मजाक भी शामिल है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि मांगल गीत भारत के अन्य राज्य जैसे हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि में संस्कार गीतों के नाम से भी जाने जाते हैं। हम सभी लोग इसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही हमारे भारत में कुछ नाम अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारी भावनाएं एक जैसी हैं। चौथे नंबर पर है जागर। जागर शब्द का मतलब उसी के नाम में छुपा हुआ है, जो है जाग जाना। जागर उत्तराखंड के ऐसे शक्तिशाली गीतों में शामिल हैं, जिन्हें सुनकर स्वयं देवता अवतरित हो जाते हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन उत्तराखंड में वर्षों से इन गीतों का गायन चला आ रहा है। सिर्फ देवताओं को पुकार लगाने या जगाने तक ही जागर सीमित नहीं है, बल्कि जागर गीत से किसी मृत व्यक्ति की आत्मा को भी जगाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि पितरों की आत्मा को बुलाया जाता है। हिंदुओं में पहले से ही अपने अपने गांव के देवता होते हैं, जो उस जगह की, वहां के लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें हर बुरी शक्तियों से बचाते हैं। उन्हें हम भूम्याल या फिर क्षेत्रपाल देवता भी कहते हैं। इसी प्रकार से हर जगह के कुल देवी या देवता होते हैं।
पहाड़ों में रहना दूर से बहुत ही मनमोहक दिखता है। जब तक आपके पास साधन है, सुख सुविधा है, रोजगार है, तब तक कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। लेकिन पहाड़ों में सुकून के साथ साथ छिपा हुआ संघर्ष भी है, जो सिर्फ पहाड़ों में रह रहे लोग ही जानते हैं। घने जंगलों के बीच पहाड़ियों पर जीवन व्यतीत करना आसान नहीं है। जंगली जानवर, प्राकृतिक बदलाव से खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में देवताओं की कृपा दृष्टि से जीवन संभव होता है। उनके आशीर्वाद और छत्र छाया में लोग इतनी कठिनाइयों में भी सुंदर और सुखी जीवन व्यतीत कर पाते हैं। लेकिन सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो एक मनुष्य के जीवन में सदैव बने रहते हैं। हम दुख के समय भी देवता को याद करते हैं और किसी शुभ अवसर पर भी देवता को याद करते हैं, या कह सकते हैं धन्यवाद करते हैं। याद करने का तरीका या तो पूजा पाठ है, या कीर्तन है, या फिर लोकगीत। जागर भी इनमें से एक है, जिनमें या तो धन्यवाद करने के लिए, या परेशानी का हल निकालने के लिए, या फिर न्याय के लिए देवता को याद किया जाता है, बुलाया जाता है। यह सब किस प्रकार से होता है, आइए जानते हैं। जागर गाने वाले आदमी के साथ दो से तीन लोग साथ में गायन के लिए आते हैं। अंग्रेजी भाषा में बोल सकते हैं, कोरस के लिए दो से तीन लोग साथ में रहते हैं। जो व्यक्ति जागर को गाता है, उसे स्थानीय भाषा में जगरिया कहा जाता है। वहीं जो व्यक्ति के अंदर वे देवता अवतरित होते हैं, उन्हें डंगरिया कहा जाता है। और उस डंगरिया को स्वयं देवता ने ही चुना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने मन से अपने अंदर देवता को अवतरित कर लेंगे, या फिर किसी के कहने पर देवता किसी के अंदर अवतरित हो जाए। नहीं, डंगरिया का असल मतलब है जरिया, या कह सकते हैं तरीका। मतलब ऐसा व्यक्ति जो देवता से बात करने का जरिया बन जाता है। जागर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है देव जागर, जिसमें देवों को बुलाया जाता है। वहीं दूसरे प्रकार के जागर को भूत जागर बोलते हैं। भूत से मतलब पितृ आत्माओं से है। जागर के माध्यम से किसी पितृ आत्मा को भी बुलाया जा सकता है। जब वो किसी व्यक्ति के अंदर अवतरित होते हैं, तो उनसे सवाल हम पूछ सकते हैं। इसी प्रकार जब देवता अवतरित होते हैं, तो उनसे भी हम सवाल पूछ सकते हैं, उनका हल मांग सकते हैं, या फिर जो भी शुभ कार्य हुआ है उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, लोकगीत और संगीत में एक ऐसा नाम शामिल है जिसे विश्व धरोहर का खिताब यूनेस्को द्वारा भी दिया गया है, जिसमें कई ऐसे मुखौटे पहनकर नृत्य किया जाता है जिनमें दैवीय शक्तियां समाई होती हैं। आश्चर्य कर देने वाली बात है, ऐसा उन मुखौटों में क्या होता है कि उनमें दैवीय शक्तियां समाई होती हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में, यानी पार्ट टू में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बेल आइकन दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।